भारत। भारत एक ऐसा देश है जहां आपको हर गांव, हर शहर, हर कोने में मंदिर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत ऐसा देश भी है जहां के मंदिर अपनी वास्तुकला, अपने इतिहास और अपने रहस्यों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इन मंदिरों के रहस्य से वैज्ञानिक भी आश्चर्य से भर जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक मंदिर के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका निर्माण 11वीं सदी में हुआ था। ये मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है, जिसका नाम बृहदेश्वर मंदिर है। ये मंदिर पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला और एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प और इतिहास से लोगों को आकर्षित करता है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर भी घोषित किया हुआ है। इसका निर्माण चोल वंश के राजा ने करवाया था। इस मंदिर को गांव के लोग राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी पुकारते हैं, लेकिन बाद में मराठा शासकों ने इसका नाम बृहदेश्वर कर दिया था। इस मंदिर के रहस्य आज तक इंजीनियर से लेकर कोई भी वैज्ञानिक तक नहीं सुलझा पाया है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। करीब 216 फीट की ऊंचाई वाले इस मंदिर को 130,000 टन ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाया गया है। आश्चर्य की बात तो ये है कि तंजौर में आसपास 60 किलोमीटर तक न कोई पहाड़ है और न ही पत्थरों की कोई चट्टाने हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये भारी भरकम पत्थर यहाँ आए कहाँ से और कैसे लाए गए। कहते हैं कि यहाँ 3,000 हाथियों की मदद से इन पत्थरों को लाया गया था। इन पत्थरों को जोड़ने में कोई सीमेंट, प्लास्टर, सरिया या फिर अन्य किसी वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि पत्थरों को पज्जल तकनीक से आपस में जोड़कर तैयार किया गया है। मंदिर इतना मजबूत है कि हजार साल बाद भी इतनी ऊंचाई के बावजूद ये आज भी एकदम सीधा खड़ा है। माना जाता है कि राजराजा प्रथम भगवान शंकर के परम भक्त थे, इसी वजह से उन्होंने कई शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। मान्यता ये भी है कि जब राजा चोल श्रीलंका के दौरे पर गए तब उन्होंने एक सपना देखा जिसमें उन्हें इस मंदिर को बनाने का आदेश मिला था, जिसके बाद ही उन्होंने इस मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है उसके ऊपर एक विशाल पंचमुखी नाग अपने फन को फैलाए हुए बैठे हैं, जैसे मानो वे भगवान भोलेनाथ को छाया दे रहे हो। इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य है। कहा जाता है कि इस मंदिर के शीर्ष पर रखा करीब 88 टन वजन का पत्थर, जिसके ऊपर करीब 12 फीट का सोने का कलश रखा हुआ है, उस पर सूरज की रोशनी पड़ने पर धरती पर कोई परछाई नहीं दिखती है और जब चांद की रोशनी होती है तो भी किसी प्रकार की कोई परछाई नहीं बनती। दोस्तों, इस मंदिर की एक और विशेषता है और वो ये कि यहाँ मंदिर में भगवान शिव की सवारी नंदी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। इसे भी एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 13 फीट है। इस मंदिर में संस्कृत और तमिल भाषा में शिलालेख हैं, जिनमें आभूषणों से जुड़ी जानकारी दी गई है।